हबू का किचन में आज हम सेजवान चिकन स्टिक बनाएंगे। ये एक स्टार्टर रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेजवान चिकन स्टिक बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन को छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, एक छोटा चम्मच विनेगर, आधा छोटा चम्मच व्हाइट मरी पाउडर ऐड करेंगे। अगर व्हाइट मरी पाउडर नहीं है तो ब्लैक मरी पाउडर ऐड कर ले। दो बड़े चम्मच सेजवान सॉस ऐड करेंगे, एक अंडे की सफेदी, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद इस तरह से वुडन स्टिक में चिकन को स्टिक करेंगे। एक स्टिक में 5 से 6 चिकन के पीस को स्टिक करेंगे और इसी तरह सारे चिकन स्टिक को रेडी करके फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद मीडियम फ्लेम पर चिकन स्टिक को फ्राई करेंगे। चिकन स्टिक को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह सारे चिकन स्टिक को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अब एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन और एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी प्याज ऐड करेंगे। अदरक लहसुन और हरी प्याज को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच विनेगर, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच व्हाइट मरी पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 बड़े चम्मच सेजवान सॉस, 1 बड़ा चम्मच टमाटो सॉस, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करके स्लरी बनाकर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर ठीक हो जाने तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करने के बाद ये ठीक हो गया है, तो अब हम इसमें फ्राई की हुई चिकन स्टिक ऐड करेंगे। चिकन स्टिक ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। एक मिनट कुक करने के बाद हरी प्याज स्प्रिंकल करेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको सेजवान चिकन स्टिक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।